under the heading classification, we shall deal with two classes only. Plus one level तक आपने सिर्फ दो classes के बारे में learn करना है. And the basic difference we will take. First class is liverworts. And the second is mosses. Liverworts को technically हम put करेंगे in the class Hepaticopsida. और mosses को put करेंगे in Bryopsida. और मसाई. कई बार आपको क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है, प्रैक्टिकल के अंदर आपको लिखना होगा कि किंगडम प्लांटी, डिवीजन ब्रायोफाइटा, और उसके बाद क्लास मॉस आ गया तो लिखना होगा मसाई, लिवरवर्ट आ गया तो लिखना होगा हेपेटिकोप्सिडा, और यू कैन राइट लिवरवर्ट्स आल्सो. तो बेटे दो क्लासेस नोट कर लो, एक क्लास है क्या लिवरवर्ट्स, दूसरे है मोसेज. लिवरवर्ट्स जैसे कि हमारा लिवर होता है फ्लैट, लिवरवर्ट्स आर फ्लैट ऐसे स्ट्रैप शेप, उनकी बॉडी जो है दैट इज जस्ट लाइक दिस. और जो मोसेज है वो है इरेक्ट जस्ट लाइक दिस, दे हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक आउट ग्रोस एंड दे आर फिक्स टू द सोयल बाई राजुएट्स, दीज आर ऑल्सो फिक्स टू द सोयल बाई राजुएट्स. इनके अंदर राजुएट्स यूनिसेलर है, इनके अंदर राजुएट्स मल्टीसेलर है. सो अभी दो पॉइंट आपको कराएंगे कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी दो क्लासेज हैं, एक है लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स आर फ्लैट, दे हैव यूनिसेलर राजुएट्स, और दूसरे हैं मॉसेस, इरेक्ट स्मॉल प्लांट्स विद लीफ लाइक आउटग्रोथ्स एंड मल्टीसेलर राजुएट्स. ज़्यादा और क्लासेस में मैं नहीं आपको लेके जाऊँगा, और इनकी डिटेल हम वन बाई वन लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे लिवरवर्ट्स. लिवरवर्ट्स के अंदर प्लांट बॉडी फ्लैट है, डोर्सो वेंट्रल है, कईयों के अंदर तो इट इज जस्ट ए थैलोइड, लोब्ड ब्रांच्ड, जैसे कि मार्केंशिया है, रिक्सिया है, जैसे लोब से होते हैं ऐसे फ्लैट सी बॉडी. कईयों के अंदर क्या होता है, बॉडी तो फ्लैट होती है लेकिन टाइनी लीव्स भी होती हैं, बॉडी फ्लैट टाइनी लीव, जैसे कि परेला के अंदर ये बॉडी है, इसके अंदर स्टेम लाइक एक्सिस है और उसके ऊपर टू रोज ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं. लेकिन ये भी फ्लैट है. इन बोथ दी केसेस, चाहे बॉडी ऐसे हो लोब्ड, चाहे हो विद टाइनी लीव्स, लेकिन ये फ्लैट होनी चाहिए और राजुएट यूनिसेलुलर है. और ये फ्लैट बॉडी बिल्कुल ऐसे सबस्टेटम के साथ क्लोजली लगी होती है, बिल्कुल क्लोजली. ये एक मेन करैक्टर हो गया लिवरवर्ट्स का. और इसकी जो मेन टाइप है वो मार्केंशिया, वो मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद फिर आपको और क्लियर आएगा कि लिवरवर्ट्स क्या होते हैं. तो मैं डील कर रहा हूं अब मार्केंशिया. मार्केंशिया फ्लैट डोर्सो वेंट्रल लोब्ड डाइकॉटमसली ब्रांच्ड है, और प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, थैलस, क्योंकि ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है. तो ये है हमारे पास मार्केंशिया, रिपीटेडली एंड डाइकॉटमसली ब्रांच, और इसके अंडर साइड से नीचे से निकलेंगे यूनिसेलुलर राइजोएट्स. मार्केंशिया बहुत इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाए, मान लो इसकी टुकड़ियां हो जाए, ईच फ्रेगमेंट कैन
function for vegetative reproduction. Otherwise, इसकी dorsal side पर, यहां पर छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दीज कप्स लाइक स्ट्रक्चर्स दीज आर कॉल्ड एज गैमा कप्स. गैमा कप्स के अंदर क्या होती हैं, ग्रीन वेजिटेटिव बर्ड्स मल्टी सेलुलर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमी. जब बारिश से ये भर जाता है गैमा कप, तो प्रेशर के कारण गैमी जो हैं वो डिटैच हो जाएंगी, पानी की थिन फिल्म में फ्लोट करके वो मॉइस सोयल पे सेटल हो जाएगी एंड दे विल गिव राइज टू द मार्टेंशिया फ्लावर्स. जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये सेक्स ऑर्गन बियर करेगा. क्यों? क्योंकि ये है गैमेटोफाइट. अब मार्केंशिया के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं वो अलग अलग थैलाई पे राइज करते हैं. सो मार्केंशिया क्या हुआ जब वो अलग अलग राइज करते हैं, क्या हुआ बताओ? डायोशियस. मार्केंशिया इज डायोशियस. अब डायग्राम देखो, जो फीमेल थैलस होती है उसके अंदर आर्किगोनिया कहां लगी होती है, ये देखने वाला पॉइंट है. वो ये है कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे अराइज ऑन स्टॉक्ड रिसेप्टिकल्स. आर्किगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द स्टॉक्ड रिसेप्टिकल कॉल्ड एज आर्किगोनियोफोर एंड द एंथ्रीडिया आर प्रेजेंट ऑन द एंथ्रीडियोफोर. और आपने जब ये थैलस ले ली वहां से तो आपने देखना है मैच्योर है, सेक्स ऑर्गन लगे हैं. कैसे पता चलेगा? देखोगे रिसेप्टिकल्स. और यदि ये ऐसे छतरी की तरह है या स्टार शेप्ड है, ऐसे ऐसे रेज होंगी, तो ये है फीमेल थैलस. जब टूर पे जाते हैं तो कई बार हमें नॉन टेक्निकल पर्संस भी साथ में लेके जाने पड़ते हैं. फ्रेंड यूरेनियम में बॉटनी आती हो तब उनको आप समझा सकते हो कि अरे भाई ये क्या है, मेल थैलस है और ये फीमेल थैलस है. बोर्ड पे ध्यान दो, ये ऐसे क्या हुई, ये अम्ब्रेला शेप और स्टॉक ऐसे खिलेगी, यंग होगी, वो स्टार शेप. बोथ द टाइप्स ऑफ अपीयरेंस कैन बी देयर. दिस इज स्टॉक एंड हियर आर प्रेजेंट द आर्किगोनिया. यहां यहां लगे होंगे फीमेल ऑर्गन्स, दीज आर द आर्किगोनिया. माइक्रोस्कोपिक सेक्शन काट कर थ्रू द रिसेप्टिकल फिर आपको देखनी पड़ेगी. फॉर द टाइमिंग आप ये प्रज्यूम करो कि भाई ये प्लांट है गैमेटोफाइट, इसके ऊपर लगी है फीमेल रिसेप्टिकल और फीमेल रिसेप्टिकल के नीचे हैंग कर रहे हैं क्या फीमेल ऑर्गन आर्किगोनिया. और इधर अपने पास ये क्या है, मेल प्लांट. मेल प्लांट क्या बियर करेगा, एंड थ्री डी ओ फोर दैट इज स्टॉक्ड रिसेप्टिकल एंड दैट विल बी जस्ट ए डिस्क और लोब लाइक स्ट्रक्चर. और इसके अंदर होंगे क्या, एंथ्रीडिया. ये है मेल रिसेप्टिकल, ये है फीमेल रिसेप्टिकल, इसका नाम है आर्किगोनियोफोर और इसका नाम है एंथ्रीडियोफोर. एंथ्रीडियोफोर के अंदर लगे हैं एंथ्रीडिया प्रोटेक्शन लेने के लिए, रिसेप्टिकल के अंदर लगे हैं और यहां पर नीचे लगी है आर्किगोनिया. आर्किगोनिया बोलते हैं. आर्किगोनिया क्या बियर करेंगी, एग सेल. एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंथीरोजोएट्स. एंथीरोजोएट्स मैच्योर हो जाएंगे, थिन फिल्म वाटर में रिलीज हो जाएंगे और तैर तैर के शुरू कर करके आर्किगोनिया के पास पहुंच जाएंगे. वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द
एग टू फॉर्म द जायगोट। अब यहां पर क्या बन गया, यहां पर क्या बन गया, जायगोट। इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जायगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट यहां पर इसके ऊपर यहां लगा है, डिपेंडेंट ऑन इट, नॉट फ्री लिविंग। और स्पोरोफाइट में क्या पैदा होंगे, स्पोर मदर सेल होंगे पहले, उनके अंदर मियोसिस होगी और फिर स्पोर बनेंगे, एंड द स्पोर विल फॉल ऑन द सॉयल टू फॉर्म गेमिटोफाइट। डायरेक्टली गेमिटोफाइट बन जाएगा। गेमिटोफाइट ने गेमीट बनाए, गेमीट फ्यूज करे, जाइगोट बना, जिससे स्पोरोफाइट डेवलप हुआ। स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर ही अटैच्ड है, और स्पोरोफाइट ने मियोसिस के द्वारा फिर स्पोर बनाए, और स्पोर गिर गए और दोबारा फिर बन गया क्या, मार्केंशिया प्लांट, मार्केंशिया की थैलस में, ठीक है। तो इसके अंदर ये आप थोड़ा सा मार्केंशिया के बारे में करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप लेंगे, दैट इज मॉसेस। मॉसेस आर रिप्रेजेंटेड बाई फोनेरिया, स्फेग्नम, पोलीट्राइकम। मॉसेस का एक पॉइंट है कि इनकी प्लांट बॉडी क्या है, इरेक्ट है। प्लांट बॉडी सिर्फ इरेक्ट ही नहीं है, इसके ऊपर लीफ लाइक अपेंडेजेस भी हैं, एंड इट इज अटैच्ड टू द सॉयल बाय मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। देखिए ये क्या है, इसके अंदर प्लांट बॉडी एक्सिस, और ये क्या है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, और इसके ऊपर ये क्या है, लीफ लाइक अपेंडेजेस, दे आर स्पारली रेंज ओवर इट। प्लांट बॉडी इज इरेक्ट, डिफरेंशिएटेड ए लिटिल बिट इन ए स्टेम लाइक एक्सिस, फिक्स टू द सॉयल बाय ए मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, एंड बिगर स्मॉल आउटग्रोथ, ग्रीन आउटग्रोथ कॉल्ड एज लीव्स, बट द लीव्स आर नॉट कॉल्ड एज ट्रू लीव्स, दे हैव नो वैस्कुलर टिश्यूज, दे बिलोंग टू द गेमिटोफिटिक जनरेशन। द ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव, दे बिलोंग टू द स्पोरोफिटिक जनरेशन, एंड दे हैव वैस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट भी आपने याद करना है, टर्मिनोलॉजी यूज कर देते हैं। और हम लीफ लिखते हैं कैसे, ऐसे ब्रेक कॉमास में लिख देंगे, सो दे आर लीफी फॉर्म्स, सो टू से दे आर फोलियोज फॉर्म्स, एंड द बेस्ट एग्जांपल आई शैल टेक नाउ विद यू इज फुनेरिया। फुनेरिये के अंदर जो मेन फेज है वो है गेमिटोफाइट, जस्ट लाइक द अदर प्रायोफाइट्स। लेकिन मॉसेस के अंदर हम देखेंगे कि जो गेमिटोफाइट है वो दो स्टेजेस में बटा हुआ है, और फुनेरिये की एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा रहा हूं कि फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा, एंड द सेकेंड स्टेज इज अडल्ट प्लांट इटसेल्फ। जो ये डायग्राम बनाई हुई है ये अडल्ट प्लांट की बनाई हुई है, जो इरेक्ट है, लेकिन ये अडल्ट प्लांट डायरेक्टली नहीं बनता। जैसे कि फ्रॉग्स की लाइफ साइकिल के अंदर एक स्टेज आती है, टैडपोल लार्वा आती है ना, आती है। That tadpole is fish-like, और उससे हमें पता चलता है कि amphibians के fish-like ancestor थे, that is life cycle के अंदर कोई ना कोई ancestral character repeat हो जाता है, ontogeny repeats phylogeny। ये शब्द अभी लिख लो, plus two class में learn करोगे, तो यहाँ भी एक main point आता है हमारे पास कि इनकी life cycle के अंदर दो phases हैं, एक phase है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा स्पोर के उगने से पैदा होता है, और प्रोटोनिमा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, अल्गालाइक है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिमा
के कारण ही हम कहते हैं कि मॉसेज के एंसेस्टर अल्गालाइक थे, कि मॉस की लाइफ साइकिल में हमें मिलता है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा क्या है बेटे? फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट है। स्पोर जब उगता है गिल्ली जमीन पे, जब ये स्पोर उगेगा तब ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोटोनिमा, और प्राइमरी प्रोटोनिमा के ऊपर लगेंगे बड्स, टाइनी बड्स, और टाइनी बड से ग्रो करेगा क्या? अडल्ट मॉस प्लांट, एंड दैट इज द सेकंड स्टेज। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो मॉस का गैमेटोफाइट है उसकी दो स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है प्रोटोनिमा और सेकंड स्टेज है मॉस प्लांट इटसेल्फ। प्रोटोनिमा स्पोर के जर्मिनेट होने से पैदा होता है, फिलामेंटस है, क्लोरोनिमल ब्रांचेस होती हैं, राइजोइडल ब्रांचेस होती हैं, राइजोइडल ब्रांचेस को फिक्स करती हैं, क्लोरोनिमल ब्रांचेस ग्रीन होती हैं, स्प्रेड होती हैं ग्राउंड पे, और इनके ऊपर बड्स पैदा होते हैं जिससे नए मॉस प्लांट बनते हैं, बहुत सारे मॉस प्लांट बनेंगे, फ्रेगमेंटेशन भी हो जाती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो स्पोर के जर्मिनेट से बनेगा वो है प्राइमरी प्रोटोनिमा। अदरवाइज हम देखते हैं कि थैलस के कुछ सेल डिटैच हो गए, राइजोइड्स ग्रीन हो गए, उनसे भी प्रोटोनिमा बन जाता है, बट दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के ऊपर भी ऐसे ही बड्स आ जाएंगे और उनसे फिर अडल्ट मॉस प्लांट्स बन जाएंगे। दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है वो। अब डायरेक्टली पहुंचते हैं अडल्ट प्लांट पे। अडल्ट प्लांट किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन लगे होंगे। सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और वहां पर वो जो सेक्स ऑर्गन है मार्केंशिया में, वो तो स्टॉक रिसेप्टिकल्स पे लगे थे, यहां तो प्लांट खुद ही इरेक्ट है, तो बताओ स्टॉक की जरूरत है? नहीं है। तो यहां पर जो प्लांट्स की टिप्स होती हैं, एक्चुअली जो मॉस प्लांट है ये ब्रांच है, जो इसकी मेल ब्रांच है वो मेन है, उसकी टिप स्वोलन हो जाएगी और वहां पर लगेंगे एंथ्रीडिया, और साइड में एक ब्रांच निकलती है जिसकी टिप पे लगेंगे आर्किगोनिया। सिंपली इस पॉइंट को लर्न करना है। अभी तक जो ये फोनेरिया है ये क्या है? मोनोइशियस है। पॉइंट्स पे फोकस किया करो बेटे। इरेक्ट है, रेडियल सिमेट्री है, लीफी है, मल्टीसेलर राइजोइड्स है, छोटे छोटे पौधे हैं। दूसरा प्लांट है इनका मेन फेज गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट की दो स्टेजेस होती हैं, दैट इज जुबिनाइल स्टेज, बच्चा स्टेज, जहां सेक्स ऑर्गन नहीं लगते, जुबिनाइल प्रोटोनिमा, और दूसरी है अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज क्या है? मॉस प्लांट इटसेल्फ। और मॉस प्लांट क्या है? मोनोइशियस, दैट इज इसके ऊपर लगे हैं बोथ दी सेक्स ऑर्गन्स, और फोनेरिया के अंदर स्टॉक रिसेप्टिकल नहीं होती, जो प्लांट की ब्रांचेज होती हैं उनकी टिप्स स्वोलन हो जाती हैं और वो बियर करती हैं एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। जो स्वोलन टिप एंथ्रीडिया बियर करेगी वो मेल रिसेप्टिकल, और जो फीमेल आर्किगोनिया बियर करेगी वो फीमेल रिसेप्टिकल। आगे क्या है? अब ये प्लांट है, ये एंथ्रीडिया लगे हैं, ये आर्किगोनिया लगी है फ्लास्क के, इसलिए एंथ्रीडिया ने क्या किया? स्पर्म छोड़ दिए इन थिन फिल्म ऑफ वाटर, और स्पर्म तैर तैर कर मैच्योर आर्किगोनिया। वैसे एक ही प्लांट पर जो दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं वहाँ पर उनकी मैच्योरिटी एक समय पे नहीं होती। क्यों नहीं होती? ताकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, तो जो आर्किगोनिया मैच्योर हो जाएगी उसके अंदर ये केमिकल अट्रैक्शन से स्पर्म पहुंच जाएंगे, और ये स्पर्म पहुंच रहे हैं और एग के साथ वन फ्यूज कर जाएगा, फिर क्या बन जाएगा?
जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगी? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो विल ग्रो आउट इन फॉर्म ऑफ दिस। ये प्लांट क्या है? गेमिटोफाइट। उसके ऊपर क्या लगी थी? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अंदर क्या हो गई? फर्टिलाइजेशन। क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट से क्या बन गया? स्पोरोफाइट। अब ये यहां पर ये देखो, ये यहां यहां क्या लगी है? आर्किगोनिया, और यहां क्या लगे हैं? एंथ्रेडिया। स्पर्म आया आर्किगोनिया के अंदर, क्या हो गई? फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गई, और अल्टीमेटली क्या होगा? ये प्लांट की राइजोएट्स, ये प्लांट के ऊपर क्या है? ये प्लांट गेमिटोफाइट, और इसकी टिप पे लगी थी क्या? आर्किगोनिया। वहां क्या हो गई थी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, और ये है स्पोरोफाइट जो ऊपर को ग्रो कर गया, एंड ऊपर को ग्रो कर गया। अब इतना ये क्या हुआ? अब जब प्लांट तोड़ेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर आप तोड़ेंगे, यदि हो पैदा हुआ हुआ है तो। लेकिन टेक्निकली आपको देखना होगा कि इतना पार्ट जो है ये गेमिटोफाइट है, और इसके ऊपर ये लग गया क्या? स्पोरोफाइट। क्यों? फर्टिलाइजेशन अंदर हुई थी। बस ये समझने वाला पॉइंट है। यहाँ इसके तीन पार्ट्स हैं, एक जिससे अटैच होता है दैट इज फुट, और एक लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज सीटा, और ये टर्मिनल पार्ट दैट इज कैप्सूल। अब स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कैसे? इसके अंदर स्पोर को डिस्पर्स करने की भी बड़ी एफिशिएंट मैकेनिज्म है। अब जब कैप्सूल के अंदर स्पोर बन गए, स्पोर डिस्पर्स होंगे जब एटमॉस्फेयर ड्राई होगा, तभी डिस्पर्सल होगी ना। यदि मॉइस्चर होगी फिर तो इकट्ठे हो जाएंगे, काउंटिंग हो जाएगी। तो उसके लिए जो मॉस प्लांट है उसके कैप्सूल के अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, दैट इज पेरिस्टोम। पेरिस्टोम, पेरिस्टोम क्या होता है? उसके अंदर कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो दो रिंग्स में होते हैं, ऐसे 16 ऐसे अंदर की रिंग में और 16 ऐसे बाहर की रिंग में। अंदर वाले तो ऐसे ही रहते हैं, नैरो ओपनिंग बनाते हैं, और बाहर वाले क्या करते हैं? जब मॉइस्चर होती है वो ऐसे अंदर वालों को बंद कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ऐसे हाइग्रोस्कोपिक हैं। बाहर वाली जो पेरिस्टोम है वो हाइग्रोस्कोपिक है, जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी स्पोर डिस्पर्स नहीं करने, ये बेंड डाउन कर जाएगी और ओपनिंग बंद हो जाएगी, मुंह बंद हो जाएगा, और जब एटमॉस्फेयर ड्राई है तो ये बेंड आउट करेगी और ये सीटा इसको ऐसे हिलाएगा और स्पोर गिर जाएंगे। तो पेरिस्टोम इज अ फाइन मैकेनिज्म फॉर द स्पोर डिस्पर्सल इन मॉसेस। पेरिस्टोम एफिशिएंट स्पोर डिस्पर्सल करती है, और स्पोर कब डिस्पर्स होते हैं? जब ड्राई वेदर हो। और ये किसको पता चलता है? पेरिस्टोम को। पेरिस्टोम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। ओके, अब स्पोर क्या करेंगे? गिल्ली जमीन पे गिरेंगे। गिल्ली जमीन पे गिर के अडल्ट मॉस प्लांट नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्रोटोनिमा, और प्रोटोनिमा से फिर मॉस प्लांट बनेगा। सो अब दो पॉइंट से यहां आ गए, एक तो इनके स्पर्म फ्लैजिलेटेड है, दैट स्पीक्स ऑफ देयर एक्वेटिक एंसेस्ट्री, एक्वेटिक थे इनके एंसेस्टर। दूसरा, इनकी लाइफ साइकिल के अंदर अल्गा लाइक
स्ट्रक्चर बनता है. सो इट मीन्स देवर अलगी अलगल एंसेस्ट्री. सो ये दो अलग अलग पॉइंट है. यदि तो आए फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स तो एक्वेटिक एंसेस्ट्री, यदि आए प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिमा क्या इंडिकेट करता है, दैट इज अलगल एंसेस्ट्री. दोनों अलग अलग पॉइंट है, कंफ्यूज मत करना. एज रिगार्ड्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ब्रायोफाइट्स आर नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस. स्टिल तीन चार पॉइंट हैं, वो आप लर्न करके रखो. पहला पॉइंट क्या है कि दे प्रिवेंट सोयल इरोजन. सोयल इरोजन का मतलब होता है जो मिट्टी है वो इरोड हो जाती है, खुर जाती है. ऐसे बारिश का पानी आता है ना तो वो नीचे मिट्टी को बहा के ले जाता है. ये प्लांट क्योंकि मैट्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं एक ही जगह पर, कितने कितने ग्रो करते हैं. ग्रेगेरियस शब्द की किसी ना किसी बच्चे को कहीं ना कहीं से मिल जाएगा. अच्छी बात है, बच्चे किताबें पढ़ते हैं कोई ना कोई पॉइंट ले लेते हैं. तो दे फॉर्म मैट्स. सेकंड है रोल इन प्लांट सक्सेशन. बैरन रॉक्स के ऊपर दे ग्रो आफ्टर द लाइकन्स स्टेज. पहले लाइकन्स आएंगी, लाइकन थोड़ा बहुत जो है वहां सॉयल फॉर्मेशन करेंगी, फिर मॉस आएंगे. मॉस जो है वो वहां पर सॉयल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं. इनके जो छोटे छोटे राइवेड हैं रॉक को क्रोड करते हैं. जब ये ग्रो कर जाते हैं इनकी बॉडी डिके होती है वहां पर. सो थोड़ी थोड़ी सॉयल जो है वो रॉक से बनती है और वहां पर उसके बाद फिर और किस्म के प्लांट आ जाएंगे, हर प्लांट्स आ जाएंगे, हर्ब्स वगैरह आ जाएंगे. सो मॉसेस प्लांट सक्सेशन के अंदर भी रोल प्ले कर दिया है. प्लांट सक्सेशन क्या होता है कि एक किस्म की कम्युनिटी आई, फिर दूसरी किस्म की, फिर तीसरी किस्म की. तो मॉसेस जो हैं वो नेक्स्ट कम्युनिटी दैट इज हर्ब्स के ग्रो करने में, सॉयल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं. प्लस टू का टॉपिक है ये, एनवायरमेंट के अंदर डील करेंगे प्लांट सक्सेशन. अभी आपने सिर्फ नोट करके रखना है क्या, दैट इज दे प्ले ए रोल इन सॉयल फॉर्मेशन एंड हेंस दे आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन. और ये लाइन आपके एनसीईआरटी में शुरू में भी दी हुई है. इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑथर सोचता है, टीचर सोचता है कि मैं बच्चों को ये पॉइंट पहले ही बता दूं. तो कर लेंगे आप पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सफेगनम. सफेगनम का प्लांट चाहे लिविंग सेल्स हो चाहे डेड सेल्स हो, दे रिटेन 16-26 टाइम्स मोर वाटर एज कंपेयर टू देयर ओन वेट. विच वेट? ड्राई वेट. ये एक रिलेटिव टर्म आपको दे दी गई है कि अपने ड्राई वेट से 16-26 टाइम्स मोर सेल्स को, मोर वाटर को रिटेन करते हैं. इसलिए इनको गार्डनर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्लांट्स यूज करते हैं. कोई मुश्किल तो नहीं लगा होगा, आसान है. अब लास्ट में हम चलते हैं. इस सफेगनम को हम पीट मॉस भी बोलते हैं क्योंकि ये कूल एसिडिक वाटर के अंदर ग्रो करता है. इसकी सेल्स वॉल के अंदर फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं. दो फैक्टर्स मेन हैं उसके कारण, जब इसके ओल्डर पार्ट्स हो जाते हैं उनकी डिके नहीं होती, और डिके ना होगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली कभी ना कभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ये डेड पार्ट्स कंप्रेस हो जाएंगे नीचे एंड दे विल चेंज इनटू पीट. एंड द पीट इज कोले लाइक एंड यूज्ड एज फ्यूल. दैट इज व्हाई दिस मॉस इज कॉल्ड पीट मॉस आल्सो. क्योंकि ये बॉगी सॉइल्स के अंदर जहां पानी होता है वहां ग्रो करता है, बॉग्स होते हैं, इसलिए इसको बॉग मॉस भी बोलते हैं. ये थोड़ा सा आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बता दोगे, इससे चैप्टर तो खत्म हो जाता है.
लेकिन बच्चे फिर कहते हैं सर चलते चलते एक पॉइंट और बता जाओ। कहना चलो बताओ बच्चों कौन सा है। कहते सर ये आपने कहा था कि स्मॉल प्लांट्स है, सर ये हाइट क्यों नहीं अटेन कर पाए। बच्चों ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि सर व्हाई दे आर नॉट एबल टू ग्रो एज टॉल प्लांट्स। बच्चों ने पूछ तो लिया लेकिन मैंने ये क्वेश्चन के आंसर के लिए बच्चों पे ही छोड़ दिया। और फिर बच्चों ने मेरे को जवाब दिया कि सर इनका मेन प्लांट जो है वो गैमेटोफाइट है। पहली बात तो आपने बताया था कि पानी चाहिए तैरने के लिए, हाइट हो जाएगी तो कैसे जाएंगे स्पर्म। चलो ठीक है, ट्रू रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है, कोई ज़ाइलम फिलोबी कुछ नहीं है। अरे भाई ज़ाइलम फिलोबी नहीं है तो फिर कैसे बेचारे हाइट कैसे अटेन कर लेंगे। मैकेनिकल टिश्यू नहीं है और इनके ऊपर क्यूटिकल नहीं है। क्यूटिकल जो होती है वो ट्रांसपिरेशन को थोड़ा कम करती है, तो ये यदि टॉल हो गए, क्यूटिकल है नहीं, तो लॉस ऑफ वाटर बहुत जल्दी हो जाएगा और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये टॉल ग्रो नहीं कर पाए। मेन पॉइंट का ये है कि एम्फीबियंस हैं, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं, डोमिनेंट गैमेटोफाइट होता है और स्मॉल डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, और लाइफ साइकिल इनका हैप्लोडिप्लोंटिक और यू कैन से डिप्लोहैप्लोंटिक होता है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। थैंक्स अ लॉट। We'll be right back.